गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है आपके? अगर आपकी भी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद बार बार बंद होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। गाड़ी मेरी स्टार्ट हो चुकी है, क्लच मैंने दबाया हुआ है, अभी मैंने गियर नहीं डाला इसलिए क्लच छोड़ दिया। मैं पूरा क्लच 100% क्लच दबा दिया मैंने गाड़ी का। अब मैं सेकंड गियर डालूंगा, थोड़ा सेलेक्ट करके बैक चले गए, सेकंड गियर डाल दिया। गाड़ी मेरी अभी खड़ी है, खड़ी गाड़ी के ऊपर सेकंड गियर से भी गाड़ी हम चला सकते हैं, ठीक है। और आपको रेस कितनी देनी है वो भी मैं बताऊंगा, कितनी रेस नहीं देनी वो भी बताऊंगा। ये आपने अभी आवाज सुनी होगी रेस की, ये मैंने 100% रेस दबाई थी, 100% रेस दबाई थी। दोबारा दबा के दिखाता हूँ 100% रेस की क्या आवाज होती है। ये 100% रेस मैंने दबाई थी, इतनी रेस आपने कभी नहीं दबानी, ठीक है जी। आपने 100 में से 25% रेस दबानी है, कितनी दबानी है वो भी दबा प्रेस करके बताता हूँ आपको। आपने इतनी रेस देनी है, सिर्फ इतनी। आवाज सुनिए ध्यान से, इतनी रेस देनी है, क्लच नहीं छोड़ना, धीरे धीरे करके आपने क्लच छोड़ना है। पहले आप 50% क्लच छोड़ेंगे, आधा क्लच छोड़ेंगे, धीरे धीरे करके आधा क्लच छोड़ दिया, गाड़ी अभी खड़ी है, गाड़ी चली नहीं। आधा क्लच छोड़ने के बाद आपने कभी भी पूरा क्लच नहीं छोड़ना, जब भी आपने गाड़ी चालू करनी है ना, स्टार्ट करनी है, मूवमेंट करानी है गाड़ी की, तो आपने 100% क्लच नहीं छोड़ना और रेस को कंटिन्यूसली 25% दबा के रखना है। 100 में से 25% मैंने अभी रेस दबाई हुई है और मैंने क्लच अभी भी 100% नहीं छोड़ा, 50% छोड़ा है। आपने 75% क्लच छोड़ना है, 75%, ये देखिए, आपने पूरा 100% क्लच नहीं छोड़ना, क्लच को दबा के रखना है, दबा के ही रखना है जब तक गाड़ी आपकी मूवमेंट ना कर जाए। आपने दबा के रखना क्लच, मैंने दबा के रखा हुआ है अभी भी, धीरे धीरे करके छोड़ा, गाड़ी मेरी चल गई, ठीक है। अब मैंने 100% क्लच छोड़ा हुआ है, आगे मोड़ आ गया, धीरे धीरे करके मैंने क्लच दबाया, हैंडल को मोड़ा और हल्की सी रेस के ऊपर पैर रखा हुआ है। पहाड़ों पे गाड़ी कैसे चलाते हैं, पहाड़ी रास्ते पे गाड़ी कैसे चलाते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको हर रोज़ नई वीडियो देखने को जरूर मिलेगी। बाय बाय।